हे गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बाबा डियन फिल्म में। गाइज, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप 7 मोस्ट पॉपुलर एडल्ट मूवी के बारे में। अगर आप एक एडल्ट मूवी लवर हैं, अगर आप एक एडल्ट मूवी ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रही कि कौन सी फिल्में देखना चाहिए कौन सी फिल्में नहीं देखना चाहिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 7 ऐसे मोस्ट पॉपुलर एडल्ट मूवी के बारे में जिसे आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। ये फिल्में अपने आप में बहुत ही फेमस फिल्में हैं क्योंकि ये फिल्में अपने न्यूडिटी के लिए जानी जाती हैं और इसमें कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसे आप पर्सनली देखें तो ज़्यादा अच्छा है और इन फिल्मों को आप कतई अपने परिवार या अपने किसी भी रिलेशन वाले के साथ मत देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इन मूवियों को आप रेटिंग के हिसाब से जज मत करिएगा। एडल्ट मूवियों में अक्सर रेटिंग बहुत कम होती है, लेकिन आप जिस मकसद से मूवी देखेंगे वो आपको भर भर के इसमें देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि इन मूवियों को देखने के लिए आप इधर उधर भटक नहीं सकता नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़िए, वहाँ पर ये सारी मूवियाँ पहले से उपलब्ध है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, हमारे पहले नंबर की मूवी है पर्सनल बेस्ट, जो 1982 में रिलीज हुई थी, जिसे 6.3 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है। पर्सनल बेस्ट 1982 में रिलीज अमेरिकन ड्रामा एवं एडल्ट फिल्म है जो रॉबर्ट टाउने द्वारा डायरेक्ट की गई है। कहानी एक यंग ट्रैक फील्ड एथलीट जिसका नाम क्रिस होता है के कैरेक्टर पर आधारित है, जो ओलंपिक के लिए ट्रेन करता है और उसी ट्रेनिंग के दौरान उससे एक लड़की की मुलाकात होती है जो आगे चलकर लोगों में रिलेशनशिप बनता है और यही मूवी के आगे की कहानी को एक्सप्लोर करता है। पर्सनल बेस्ट ने वुमेन स्पोर्ट और LGBTQ का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर के थीम्स पर फोकस किया है। फिल्म ने LGBTQ के रिलेशनशिप को ओपन और बारीक तरीके से दिखाया है, जो 1982 के टाइम में एकदम नया था। इसके बावजूद व्यूवर्स ने इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है और LGBT कम्युनिटी में रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई और इसे लोगों ने खूब एक्सेप्ट भी किया है। गाइस, हमारे सेकंड नंबर की मूवी है 50 Shades of Grey, जो 2015 में रिलीज हुई थी, जिसे 4.2 out of 10 रेटिंग मिली हुई है। गाइस, 50 Shades of Grey 2015 में रिलीज हुए रोमांटिक ड्रामा और एडल्ट फिल्म है जो सैम टाइलर जॉनसन द्वारा डायरेक्ट की गई है। कहानी एक कॉलेज ग्रेजुएट एनास्थीसिया एस्टिलिक और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्रिश्चियन ग्रे के पैशनेट और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप पर आधारित है। फिल्म एक बेस्ट नॉवेल सीरीज पर बेस्ड है जिसके राइटर E.L. James है। 50 Shades of Grey ने अपने एक्सप्लिसिट कंटेंट और BDSM का मतलब होता है एक ऐसा सेक्स जिसमें क्रूर और खूंखार तरीका अपनाया जाता है, जिसके तहत खुद को और पार्टनर को कई तरीकों से दर्द दिया जाता है और उसे तड़पाया जाता है। यह फिल्म इस थीम के लिए वाइड अटेंशन हासिल की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे स्क्रीन प्ले, डायलॉग और परफॉर्मेंस के लिए कुछ क्रिटिसाइज भी किया है। लेकिन ओवरऑल आपको मूवी देखने में बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इसमें बहुत तरीके से ओपनली सब कुछ दिखाने की कोशिश किया गया है और इसके लगभग 3 पार्ट और हैं। हमारी थर्ड नंबर की मूवी है फटल अट्रैक्शन, जो 1987 में रिलीज हुई थी, जिसे 6.9 out of 10 रेटिंग मिली हुई है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर और एडल्ट फिल्म है जो एड्रियन लेन द्वारा डायरेक्ट की गई है। कहानी एक मैरिड आदमी टैन गैलहर के अफेयर के बारे में है, जो एक मिस्टीरियस वुमन जिसका नाम एलेक्स फॉरेस्ट होता है के साथ होता है। डैन की लाइफ तब बदल जाती है जब एलेक्स डैन को लेकर पॉजिटिव और डेंजरस हो जाती है और वह उसे पाने के लिए किस हद तक गुजरती है, इस चीज को आप मूवी में ही देखिए। फटल अट्रैक्शन ने व्यूअर्स को एक इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर दी है, जिसमें ग्लेन क्लोज की पावरफुल परफॉर्मेंस ने भी इसे इम्पैक्टफुल बनाया है। फिल्म ने सोशल इशू, ट्रस्ट ब्रेक और ऑब्जेक्शन पर फोकस किया है और इसे एक आइकॉनिक थ्रिलर फिल्म बनाया है। हमारी फोर्थ नंबर की मूवी है किलिंग मी सॉफ्टली, जो 2002 में रिलीज हुई थी, जिसे 5.4 out of 10 रेटिंग मिली हुई है। किलिंग मी सॉफ्टली 2002 में रिलीज हुई एक इरोटिक थ्रिलर फिल्म है जो कैग चुएन द्वारा डायरेक्ट की गई है। कहानी एक यंग वुमेन जिसका नाम एलिस होता है के कैरेक्टर पर आधारित है, जो लंदन में एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन जाती है। उसकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं जब उसका इंटेंस अफेयर एक रहस्यमय अनजान आदमी से हो जाता है। किलिंग मी सॉफ्टली ने अपने एक्सप्लिसिट कंटेंट और इरोटिक थीम के लिए जानी गई है। लोग इसे बोल्ड स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही ओपनली तरीके से दिखाया गया है। हमारी फिफ्थ नंबर की मूवी है बेसिक इंस्टिंक्ट, जो 1992 में रिलीज हुई थी, जिसे 7 out of 10 रेटिंग मिली हुई है। काज बेसिक इंस्टिंक्ट 1992 में रिलीज हुई अमेरिकन इरोटिक थ्रिलर फिल्म है जो पॉल वर्होवन द्वारा डायरेक्ट की गई है।
कहानी एक पुलिस डिटेक्टिव निक करन और एक क्राइम नॉवेलिस्ट कैथरीन के बीच अनफोल्ड होती है जब एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट होता है। कैथरीन, जिसका कैरेक्टर शेरन स्टोन ने प्ले किया है, एक मिस्टीरियस और सेडक्टिव वुमन है जिसका इन्वॉल्वमेंट मर्डर केस में असस्पेक्ट बनता है। बेसिक इंस्टिंक्ट ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी अपने एक्सप्लिसिट कंटेंट और डिपिक्शन के लिए, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया और व्यूअर्स को एक सस्पेंसफुल एक्सपीरियंस दिया। शेरन स्टोन की आइकॉनिक परफॉर्मेंस और फिल्म के ट्विस्टी प्लॉट ने इसे एक मेमोरेबल फिल्म बनाया है। हमारी 6 नंबर की मूवी है निम्फोमेनिया वॉल्यूम 1, जो 2013 में रिलीज हुई, जिसे 6.19 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को देखने के लिए मैं आपको पहले से वार्न कर देता हूँ कि अगर आप एक सेंसिटिव इंसान है और आप बहुत ज़्यादा क्रूरता वाली मूवी देखना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे मत देखिएगा। गाइस, निम्फोमेनिया वॉल्यूम 1 2013 में रिलीज हुई डेनिश फ्रेंच इरोटिक ड्रामा फिल्म है जो लैरस वन ट्रैकर द्वारा डायरेक्ट की गई है। निम्फोमेनिया वॉल्यूम 1 एक उत्तेजक स्टोरी फॉलो करती है जिसमें एक वुमेन जो अपनी जिंदगी के डिफरेंट सेक्सुअल एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप के बारे में एक अनजान आदमी को बताती है। जब वह वुमेन उस अनजान आदमी से मिलती है तो अपने लाइफ के पूरे सीक्रेट एक एक करके एक्सप्लोर करती है और उसी टाइम हमें कहानी पूरी समझ में आती है। यह फिल्म पूरी तरीके से ब्लू फिल्म से कम नहीं है और इस फिल्म में सेक्स इतना ज्यादा उस वुमेन के ऊपर हावी हो जाता है कि उस सेक्स के लिए वो किसी भी हथियार या किसी भी टूल का इस्तेमाल करती है सेक्स के लिए, और जो देखने में बहुत ही खराब लगता है और आप कहीं ना कहीं इससे डर भी जाएंगे। फिल्म ओपन कंटेंट, कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग और आर्टिस्टिक अप्रोच के लिए जानी जाती है और लॉरेंस वॉन टेरी की डायरेक्शन और एक्टर के परफॉर्मेंस ने इसे एक चैलेंजिंग और अनकन्वेंशनल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस बनाया है। हमारी सातवें एवं लास्ट फिल्म है शोगर, जो 1995 में रिलीज हुई थी, जिसे 5 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है। शोगर 1995 में रिलीज हुई अमेरिकन एरोटिक ड्रामा फिल्म है जो पॉल वेरहोन द्वारा डायरेक्ट की गई है। कहानी एक यंग वुमेन नोमी मेलन के कैरेक्टर पर आधारित है जो लॉस वेगास में एक स्ट्रिप क्लब में डांसर बनने की कोशिश करती है और उसे डांसर बनने के लिए और एक आइडेंटिटी को हासिल करने के लिए किस हद तक गुजरना पड़ता है, इस मूवी में यही दिखाया गया है। शोगर के रिलीज के समय कुछ क्रिटिक्स ने इसे एक्सप्लिसिट कंटेंट और ओवर टॉप एक्टिंग के लिए क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आगे चल के यह फिल्म कल्ट स्टेटस मिला और कुछ लोग इसे स्टार और गिल्टी प्लेजर के रूप में भी पसंद करते हैं और यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई। तो गाइस, यह रही हमारी टॉप 7 एडल्ट फिल्म के बारे में इस वीडियो में बात की। एडल्ट सीरीज में यह हमारी पहली वीडियो है और ऐसे ही हम इसके कई सारी वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर ये सारी मूवियाँ उपलब्ध हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।